अब हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। उससे पूर्व हम अभ्यास करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी एक ऐसा अभ्यास है जिसके आपके पूरे पैरों के जो आपकी मसल्स हैं स्ट्रेच होती हैं, और आप सब सामने झुकते हैं तो आपके पेट पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, आपकी आंतों पर, आपके लंग्स पर, किडनी पर और आपके पेनक्रियास पर। इससे आपके मधुमेह के लिए भी अत्यंत विशेष लाभकारी आसन है। तो प्रारंभ करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे पार्श्व भागों से ऊपर, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और अपनी दो उंगली अंगूठों से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बॉडी को जितना हो सके सामने झुकाएंगे। दोनों कोहनियां जमीन पर स्पर्श। पुनः धीरे से कोशिश करें कि आपके माथा आपके घुटनों से स्पर्श हो जाए। वापस जिस विधि से गए उसी विधि से वापस भी आए। अब हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। शीर्षासन भी हमारे आसनों का राजा कहलाता है और अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, बालों की समस्याओं के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए, पाचन तंत्र के लिए, थायराइड के लिए, मोटापे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के निदान पाने के लिए शीर्षासन का अभ्यास भी करना चाहिए। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सामने जमीन पर रखेंगे। अब धीरे से अपने सर को अपने हाथों के पास ले जाते हुए दोनों पैरों के बल खड़े हो जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, बैलेंस बनाते हुए पूरे दोनों पैर ऊपर स्ट्रेट कर देंगे। पंजे तने हुए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अत्यंत विशेष लाभकारी आसन, आसनों का राजा। इतना बैलेंस होना चाहिए हमारे शरीर में कि हम अपने हाथों के बल पर अपने शरीर का भार उठा सकें, इतने हम सक्षम हो सकें। तो कुछ समय करने के बाद पुनः धीरे से इस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब शशक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए सामने झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन पर स्पर्श, माथे को भूमि पर स्पर्श करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, शरीर की थकावट को, थकान को मिटाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शशक आसन। पुनः वापस। अब हम लेटकर कुछ अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे सर्वप्रथम, तत्पश्चात हम करेंगे उत्तान पादासन। एक साथ दोनों पैरों को 30 डिग्री अर्थात जमीन से एक फुट ऊपर उठाएंगे। धीरे से श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। इससे आपकी नाभि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जिनकी नाभि डिगती है, धरण डिग जाती है, उसके लिए भी अत्यंत विशेष लाभकारी और मासिक धर्म की सभी समस्याओं के लिए भी ये आसन लाभकारी है। और आंतों पर विशेष प्रभाव पड़ने से भी हमारा जो पाचन तंत्र है वो सुदृढ़ होता है, स्वस्थ होता है, हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस कारण से हमको गैस कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। धीरे से वापस। अब करेंगे पवन मुक्तासन, जो विशेष रूप से पेट के लिए ही आसन का चयन किया गया है। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के पास लेके आएंगे, तत्पश्चात अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, घुटने के पास रखते हुए धीरे से अपर पार्ट को उठाते हुए अपने ठोड़ी को घुटने से के पास ले जाएंगे। धीरे से वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे।
लेकिन जिनको पीठ में समस्या है, दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, वो अपने गर्दन को ना उठाएं, वो केवल इतना ही अभ्यास करें। पैर को पास में लेकर के आएं, चेस्ट तक पैर को लेकर के आएं, लेकिन अपने गर्दन को ना उठाएं। लेकिन जो जिनको ये समस्या नहीं है वो पूर्ण रूप से ये आसन कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब हम करेंगे अर्धहलासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, पंजे तने हुए, घुटने मुड़ेंगे नहीं, दोनों हाथ पार्श्व भागों में स्थिर, कुछ समय के लिए स्थिर रहेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए अपने दोनों हाथों के सहारे से पैरों को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और ज़मीन पर स्पर्श करेंगे। जितना हो सके उतना पीछे लेके जाएंगे। हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं और नहीं तो इस प्रकार भी रख सकते हैं। इधर रख करके भी अपने बॉडी को सहारा देते हुए इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पुनः हम करेंगे सर्वांग आसन। पंजे तने हुए, घुटने सीधे, सर्वांग आसन भी हमारी पेट संबंधित समस्याओं का निराकरण करता है। अब धीरे से वापस आएंगे हलासन में, पुनः आएंगे अर्धहलासन में। तत्पश्चात दोनों पैर जमीन पर, धीरे से वापस शवासन की स्थिति में। अब धीरे से दाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे।